है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। पांच मिनट रुक जाओ, मुझे ठीक तरह तुम्हें देखने तो दो। मैंने तुम्हें ठीक तरह देखा नहीं। हारिस तो आ रहे हो ना, देख लेना। हद कर दियो यार, लोगों की भीड़ में कैसे देखूंगा तुम्हें। तो एक काम करो, कल देख लेना, कल तो कोई रुकावट भी नहीं होगी, जितनी देर दिल चाहे देखते रहना। क्या यार, ये कल अब कब आएगी? बाय। बलीमे के दूसरे दिन हम हनीमून पर जा रहे हैं। क्या दूसरे दिन? इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल, शादी में इतना अरसा ले लिया तुमने, हद होती कि पहले अम्मो की शादी हो जाए, अब इसी तरह क्या हनीमून को भी डिले करना चाहती हो तुम? मैं रोक कब रही हूँ हारिस, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कुछ नहीं, बस बहुत चल गई तुम्हारी मर्जी, अब मेरी मर्जी चलेगी, जो मैंने कहा वही होगा। हम जा रहे हैं हनीमून पर, अम्मी ने टिकट भी कन्फर्म करवा। ओके, गुड गर्ल। तुम्हें पता है इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत सारी हसरतें जो मुझे पूरी करनी है। हसरतें? तें मतलब क्या? सस्ती फिल्मों वाले डायलॉग्स, पागल हो तुम बिल्कुल, चुप करो। Let the bar be the one I'm in.
अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने नोट किया कि तुम जो भी पहन लो अच्छा ही लगता है। बाप की तारीफें खत्म हो गई तो हम चले, देर हो रही है। हाँ, चलो। जी आंटी, सब रेडी? सब रेडी है, बस तुम लोग भी चले जाओ। गाड़ी में मैंने सारी चीजें रखवा दी हैं, ठीक है? ये रायना कहाँ रहेगी, उसकी तैयारी खत्म नहीं होती। अरे भैया, अब उनके सामने कुछ मत कहिएगा, उनका मूड खराब हो जाता है। अच्छा अम्मो, सब रेडी है ना? कुछ कमी तो नहीं रह गई? हाँ, सब कुछ तैयार। आई एम रेडी, चलें? शुक्र है अल्लाह का, तुम रेडी होगी। तुम फिर शुरू हो गए ना, अब चलें? नहीं, मैं और मामा नहीं जा। क्यों? लड़की के वालदेन थोड़े जाते हैं नाश्ता लेकर, क्या हो गया? वापसी पर युसरा को लेते हैं ना, और उनके फैमिली को डिनर पे इनवाइट करते हैं। ठीक है। और हमदान, वो मिठाई का और फलों का ऑर्डर किया था मैंने, वो प्लीज रास्ते से पिक कर लेना। वैसे अनुषा और हमदान साथ बहुत प्यारे लगते हैं ना? हाँ, बाकी दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। अच्छा देखो सहर, नाश्ता तो वो लोग लेकर आएंगे, ठीक है? लेकिन प्लीज जरा तुम टेबल देख लेना, सही तरीके से सेट हो। हाँ, स्पेशली नैपकिंस का बहुत ख्याल रखना, और ग्लासेस भी प्लीज अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है? अच्छा चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन नाश्ता लेकर आ रहा है? भाई वो युसरा के घर वाले आ रहे हैं ना नाश्ता लेकर। बस उसी की तैयारी करवा रही थी। अच्छा है, आना चाहिए, होता है ना, तो रिवाज है, पता नहीं कब से चला आ रहा है। हाँ ना, रसम है ना ये तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? बिल्कुल ठीक आंटी। वो नाश्ते से पहले मैं जूस पीती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सहर, सहर, देखो युसरा बीबी के लिए ना एक फ्रेश जूस लेकर आओ, ठीक है? जी मैं भी लाती हूँ। ऑरेंज जूस लाना फ्रेश, मैं भी लाती हूँ। चलो बेटा आओ। आओ बेटा बैठो। बस वो लोग आते ही होंगे अभी। हाँ हाँ आते होंगे। ये लो तुम्हारा जूस भी। एक सेकेंड, ये पुराने ग्लास में लाई हो क्या? जी देखो, मेरे लिए एक नया ग्लास और मग सेपरेट कर दो, और उसे कोई यूज ना करे। जी ठीक। क्या मतलब है यूसरा? हमारे घर की क्रॉकरी है और हमारे घर में बर्तन बहुत अच्छे इस्तेमाल होते हैं,
आंटी वो एक्चुअली मैं अपने ग्लासेस और मार्क्स को लेके बहुत केयरफुल रहती हूँ, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, जो भी तुम्हारी पसंद और नापसंद हो वो घर के काम वालों को बता देना, हारिस को भी बता देना। जी बिल्कुल, लगता है हारिस हमारी बातों से बोर हो रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक मेल चेक कर रहा था। आई थिंक वो लोग आ गए। मैं ठीक हूँ। ये हमदान बेटा क्या तकल्लुफ किया फारूक भाई ने, इसकी क्या जरूरत थी? सहर, सहर। अरे नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है, बल्कि मैंने तो फारूक से कहा था कि स्पेशल नाश्ता लेके जाऊंगी मैं अपनी यसरा के लिए, और आपको पता है सारी स्पेशल चीजें मैंने इसके लिए ऑर्डर करवाई है। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल खाने नहीं खाती है। शाला लुकिंग नाइस। ये लेकर जाओ। कैसी हो इसरा? अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। वाकई तुम बहुत अच्छी। और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर रखा। हारिस बिल्कुल ठीक कह रहा है। अल्लाह इन दोनों को बहुत खुश रखे। अरे भाई चलो ना नाश्ते के लिए। आंटी आप रुके ना, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। तुम क्यों लगाओगी? पहला दिन है तुम्हारा इस घर में, तुम क्यों काम करोगी आज? अब पहला दिन है तो क्या हुआ? मैं इस घर में मेहमान थोड़ी, ये घर मेरा है। ठीक कह रही हो तुम। मालकिन हो इस घर की,
ये तुम्हारा अपना घर है, जो जी चाहे ना वो करना, लेकिन आज नहीं। हाँ चलो, ये तो अच्छा है कि एक ही दिन में तुम्हारा दिल लग गया। भाई इसका अपना घर है, दिल तो इसे लगाना होगा। क्यों हारिस, ठीक कह रही हूं ना? जी बिल्कुल। अच्छा नाश्ते के बाद तुम हमारे साथ चलना घर, बाबा ने बुलाया। क्यों? वो रस्म होती है ना बेटा। आंटी आपको और हारिस को शाम को बाबा ने डिनर पे बुलाया, तो आप लोग भी जरूर आएंगे। अब तो ठीक है ना, मैं आंटी और हारिस के साथ आ जाऊंगी। नहीं बेटा, नाश्ते के बाद तुम घर चली जाना, बाबा वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। अम्मी उसरा बिल्कुल ठीक कह रही है ना। जब हम लोग जाएंगे तब हमारे साथ जाएगी, वरना बेचारी वहां जाके बोर हो जाएगी। थॉम्पा हद ही कर दी इन दोनों दो ओवर एक्टिंग की। अभी तो इब्तिदा है अनुषा, आगे आगे देखती जाओ तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगा, सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। नाश्ते के लिए आ जाए, ठंडा हो रहा है। युसरा वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन उसका मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है हम लोगों से। मगर क्या किया जाए, आजकल की तो सब बच्चियां ऐसी ही हैं। लेकिन मेरा बेटा बहुत खुश है। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह खुश और आबाद रखे हमारे बच्चों। आमीन। आई थिंक हम पेरिस ठीक। नो, I guess Maldives अच्छा ऑप्शन है, वहां चलते हैं।
हाँ बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट। मालदीव्स, ओके, जैसा तुम कहो, जहाँ तुम कहोगी वहाँ जाओ। हेलो, कॉफी पीते पीते अगर प्लानिंग की जाए तो प्लानिंग ज्यादा अच्छी होती है। वैसे कुछ लोगों को लगता था कि मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतनी प्यारी बीवी दी है। अब उसकी कदर भी करना। निगत बहन से मैंने बोला है कि किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हम किसी भी दिन रात में उनकी तरफ चले चलेंगे। ठीक है, लेकिन वलीमा भी तो जरूरी है ना, उनकी ख्वाहिश भी है। मैं सोच रही हूँ थोड़े से गिफ्ट खरीद लेती हूँ और केक का ऑर्डर कर दूँ, क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक है, मैं सोच रहा था कि इन सब कामों से फ्री हो जाए तो फिर हमदान और अनुषा को कहीं बाहर भेज देते हैं हनीमून पे। हाँ, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। ये भी अच्छा आइडिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? एक्चुअली मैं कुछ वक्त अकेले तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं भी। अच्छा सुने ना, आज ऑफिस से जरा जल्दी आ जाइएगा, ठीक है? कब तक तुम ऐसे मंजर देखती रहोगी रायना? उमैमा को कब निकालोगी इस फ्लेम से?
हारिस चलो तैयार हो जाओ। तैयार क्यों? क्योंकि मुझे सैलून जाना है और तुम मुझे ड्रॉप करोगे। तो ड्राइवर के साथ जाओ। क्या? उस ड्राइवर के साथ मैं सैलून जाऊंगी। इसमें क्या हर्ज है? देख रही हूं मैं कुछ काम कर रहा हूं। अच्छा, बाय द वे तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी बीवी होनी चाहिए। तुम मुझ पे अपने इस पर्सनल काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो? श्योसरा, कि पर्सनल काम नहीं है, ऑफिस का काम है। एक दो ईमेल्स हैं जो मुझे करनी है आज ही आज। I really don't care. जल्दी से उठो और तुम ही मुझे सैलून लेके जाओ। मैं उस ड्राइवर के साथ तो हरगिज़ सैलून नहीं जाऊंगी। Okay, please, relax, calm down. देखता हूँ किस तरह मैनेज कर सकता हूँ। जल्दी, लेट हो रही हूँ। इम्तिहान में डाल दिया मैंने खुद को। अम्मी अनुषा को मुंहफट और बदतमीज कहती रही। मगर यह तो मुंहफट और बदतमीज होने के साथ साथ जिद्दी, खुदसर और घमंडी भी है। बहुत जल्द अम्मी को भी पता चल जाएगा। तेरे दिल